हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं इन्हीं दोनों स्मार्टफोन का एक बैटरी चार्जिंग टेस्ट। ये जो स्मार्टफोन है वो अभी तो 0% पे है, लेकिन यहां पर मैं आपके सामने इसका रियल चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि इन दोनों के बॉक्स के अंदर स्ट्रेंज बात यह है कि 65 वाट का चार्जर दोनों के ही बॉक्स में मिलता है, बट यहाँ पर इसमें आपको 65 वाट का जो चार्जर है वो फुल्ली सपोर्टेड है, बट यहाँ पर जो चार्जिंग सपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 50 वाट का ही है। तो आप अंतर जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों की जो चार्जिंग स्पीड है वो एक्चुअली में डे टू डे लाइफ के अंदर कितनी फील होती है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। यानी कि पहले ये चार्ज होता है, ऑब्वियसली पहले ये ही चार्ज होगा, लेकिन कितनी जल्दी चार्ज होगा और कितना टाइम ये लेगा चार्ज करने में, सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो जो भी टेस्ट होने वाला है वो पूरी तरीके से फेयर होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको एक वीडियो और मिलने वाली है जिसमें मैं आपको इसका एक Antutu बेंचमार्किंग टेस्ट वीडियो देने वाला हूं। तो उस वीडियो को आप मिस ना कीजिए। इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए अब टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और मैं आपके सामने दिखाता हूं कि ये डे टू डे लाइफ के अंदर में आप बैटरी चार्जिंग को करने जाएंगे तो आपको एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको टेस्ट दिखाता हूं। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अगले 38 मिनट में, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर 39 मिनट में ही ये जो स्मार्टफोन है Realme Narzo 20 Pro वो चार्ज हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जी हाँ, 39 मिनट एंड 7 सेकंड में ये चार्ज हो गया है। सॉरी, मैं यहाँ पर लैप लगाना भूल गया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चार्जिंग अभी भी हो रही है, तो इसीलिए मैंने इसको अभी तक सॉकेट से नहीं निकाला है। तो अगले 45 मिनट बाद, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि Realme Narzo 20 Pro अब भी चार्ज हो रहा है, मतलब 100% हो चुका है टेक्निकली, लेकिन ये अभी फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है। लेकिन आप यहां पर एक स्ट्रेंज बात नोटिस करेंगे कि यहां पर Realme X7 जो है वो यहां पर थोड़ा सा हीट होने के बाद 94% पे ही अटक गया है, और अगले आप देख पाएंगे तो 50 मिनट के बाद यहां पर 1% उतर गया है। मतलब मैंने चार्ज लगाया है और 1% चार्जिंग उतर गई है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि मैं यहां पर इसको सॉकेट से निकाल कर फिर से लगाया हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अगले 55 मिनट बाद ये 93% और एक घंटे बाद 97%, और अगले आप यहां पर देख सकते हैं कि एक घंटे और एक मिनट के बाद यहां पर 98% 99% हो चुका है। और अब मैं यहां पर इस टेस्ट को जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर सारी चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक घंटे 2 मिनट हो चुका है और Realme Narzo 20 Pro ऑलरेडी 100% फुली चार्ज हो चुका है। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि अगले 1 घंटे और 3 मिनट के बाद ये स्मार्टफोन यानी कि Realme X7 अब भी चार्ज हो रहा है और अब होने वाला है 100% पूरा। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 1 घंटे 3 मिनट और 5 सेकंड बाद ये जो स्मार्टफोन है वो फुल्ली चार्ज हो गया है। और बस ये था स्ट्रेंज रिजल्ट। अब आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद। शुरू करते हैं हम इस टेस्ट को। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि Realme Narzo 20 Pro में हमको यहाँ पर 65 वाट का चार्जर दिया जाता है, और साथ ही साथ जो Realme X7 है उसमें भी आपको 65 वाट का ही चार्जर दिया जाता है। दोनों का आप रेटिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट करने की बारी आ गई है। ये है Realme Narzo 20 Pro और यहाँ पर ये है Realme X, दोनों ही 0% पे हैं। अब यहाँ पर इनको चार्ज करने की बारी आ चुकी है, तो जल्दी से मैं इन लोगों को अलाइन करता हूँ। और यहाँ पर 3, 2 एंड 1, इसी के साथ हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हो चुका है टेस्ट स्टार्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड बाद ही इनमें जान आ गई है। और अब मैं आपको यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ कि अगले 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में ये कितने चार्ज हो जाते हैं। और इनसेन स्पीड है इन सब की। अगर आपको मैं 5 मिनट का यहाँ पर रिजल्ट दिखाऊँ तो वाकई में बहुत ही कमाल का है। मैंने यहाँ पर इन लोगों को स्टार्ट भी किया, इन दोनों को, और यहाँ पर मैं ये देख पाया कि दोनों का जो रीबूट टाइम था वो सेम टू सेम था। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 मिनट हो चुके हैं और यहां पर ये पहुंच चुका है 10% Realme Narzo 20 Pro, और यहां पर X7 है 9%। और जैसा कि अब यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 5 मिनट होने वाले हैं कंप्लीट। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगले 10 मिनट बाद ये हो गया 30% और X7 हुआ है 27%। तो अगले 15 मिनट बाद, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 46% तो अभी दिखा रहा है, लेकिन 46% अभी दिखा रहा है 15 मिनट के बाद भी, और 39% X7 में। और यहां पर 20 मिनट्स के बाद यहां पर हो चुका है रिजल्ट 61 एंड 15। और अब यहां पर अगले 25 मिनट में आप देख सकते हैं कि इसको यहां पर 72%
84 एंड 71 और यहाँ पर 35 मिनट में आप देख सकते हैं 95% हुआ है रियलमी नार्जो 22 में और 81% हुआ है यहाँ पर रियलमी।